बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर शफील खान मुसलसल सुर्खियों में है। गुज़श्ता 9 नवंबर को यूपी की हुकूमत ने उन्हें इनकी मुलाजिमत से बरतरफ कर दिया। उसी हवाले से आज उन्होंने यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके खिलाफ जो यूपी हुकूमत से जो इल्ज़ाम आयद किए थे उसकी पुरजोर अंदाज में दलाइल के साथ तरदीद की। उसी हवाले से आज हम उनसे बात करते हैं। डॉक्टर कैफिल खान, सालार न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। आप ये बताइए कि आप मुसलसल 4 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, पहले आपको यूपी हुकूमत ने सस्पेंड कर दिया था, अब फाइनली आपको जो है टर्मिनेट कर दिया गया है, आपको बर्खास्त कर दिया गया है, बरतरफ कर दिया गया सर्विस, तो पूरा ये सिलसिला वाकियत क्या है, किस वजह से? मुझे लगता है कि अपने लोगों को बचाने के लिए इनकी अपनी एक साजिश है, एक बली का बकरा खोज रहे थे और डॉक्टर कफील के फॉर्म में मिल गया है। वरना सच्चाई ये है कि 168 डॉक्टर हैं, 5000 एम्प्लॉई हैं और उन लोगों का भी दोष नहीं है। मेन तो जो है जिन्होंने हेल्थ मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर योगी जी को पुष्पा सेल का जो लेटर मिलता था कि मेरा पैसा दे दो नहीं तो मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगा, उसका पेमेंट नहीं किया गया और उसकी वजह करप्शन थी, 10% कमीशन का खेल था। उन सबको छिपाने के लिए, एक पर्दा डालने के लिए, आखिर आप ही को क्यों निशाना बनाया गया? ये तो मुझे लगता है आपको योगी जी से पूछना चाहिएगा, वो अच्छा आंसर देंगे। ही कैन आंसर दैट। नहीं, आपके बारे में जब योगी जी वहाँ पर आए थे मेडिकल कॉलेज में, जब 4 साल पहले जो बच्चों के मरने का ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो वाक़ पेश आया था, तो योगी जी ने कहा कि आप बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे हैं। आपको आप नहीं बोला था, तू डॉक्टर कफील है, तू सिलेंडर लेके आया था, तू सोचता है सिलेंडर लाके तू हीरो बन जाऊंगा, देखता हूँ तुझे, ये बोला था। अच्छा, तू बोला था, आप और तू में बहुत फर्क होता है, खासकर उर्दू लफ्ज में तो होता है ना। जी जी, तो कितने लोगों को उस वक्त जो सस्पेंड किया गया था और कितने लोगों को? 8 लोगों को सस्पेंड किया गया था, 7 लोगों की बहाली हो गई। तो ये जो है सस्पेंड जो किया गया, आप जो है कोर्ट में गए, बाद हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला दिया, हाई कोर्ट ने क्या आपके हक में फैसला दिया था? हाई कोर्ट ने ये कहा था कि नॉट इवन ए सिंगल एविडेंस कुड प्रोड्यूस बाय डॉक्टर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एंड डॉक्टर कफील हैज नॉट डन एनी मेडिकल निग्लिजेंस। इसके अलावा हाई कोर्ट ने कहा था कि करप्शन का कोई सबूत नहीं है और इन्वेस्टिगेशन के दौरान करप्शन का चार्जेस हटा दिया गया है। हैविंग कंसिडर द सबमिशन एडवांस द कोर्ट नोट्स दैट देयर इज नो मटेरियल रिकॉर्ड विच में एस्टैब्लिश मेडिकल नेग्लिजेंस अगेंस्ट द एप्लीकेंट इंडिविजुअली। ही वॉज नॉट स्टेटेड टू अ पार्ट ऑफ द टेंडरिंग प्रोसेस द रिजल्टेड ऑफ द एंटिटी विच वॉज चार्ज विद द सप्लाई ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन। अच्छा, अब आपको जो टर्मिनेट किया गया है किन ग्राउंड पे किया गया, वो कौन सी ग्राउंड है जिसकी बुनियाद पर? कह रहे हैं कि मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करता था 2014-2016 में। उसी बुनियाद पर या और भी कुछ बुनियाद है? यही मेन बुनियाद है, ये मेन बुनियाद है। तो उससे पहले आप 2014 कब आपने ज्वाइन कर? 8 अगस्त 2016 को। 16 को ज्वाइन किया था। तो अब जो है आपको जो टर्मिनेशन लेटर मिल गया है, बाद आपका लेटर मिल गया है, तो ये जो है इसको आप चैलेंज करें? यस, हाई कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़ेगी तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। मुझे अपने जुडिशरी पे भरोसा है और न्याय मिलेगा, इंसाफ मिलेगा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे बलि का बकरा बनाया गया, कुर्बानी का बकरा बनाया गया, किन लोगों को बचाने के लिए बनाया गया, कौन लोग हैं वो? सिद्धार्थनाथ सिंह जो हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर थे और आशुतोष टंडन, मुझे लगता है इन दोनों लोगों को। आशुतोष टंडन कौन है ये हमारे? उस वक्त हेल्थ एजुकेशन मिनिस्टर थे, अभी तो कोई और डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं। अच्छा, इन दोनों लोगों को बचाने के लिए आपको जो है तो निशाना बनाया गया, मुझे लगता है। अच्छा, तो अब उसके बाद आप जैसी ही वहाँ से सस्पेंड हुए, उसके बाद जो एक्टिविज्म जो शुरू किया आपने, तो क्या समझते हैं कि एक्टिविज्म भी जो है इसकी एक ग्राउंड बनी, एक वजह बनी? नहीं, मुझे लगता है कि अगर आप भारत में रहते हो, अपने देश से प्यार करते हो, तो एवरी इंडियन सिटीजन, ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन शुड रेज द वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस डन टू एनी वन एनी वेयर। तो ये तो आपको उठानी चाहिए बातें। अच्छा,
यहाँ पर ये आ रहा है कि भैया यू आर इन्वॉल्व इन वेरी मच पॉलिटिक्स। कहाँ पॉलिटिक्स? अलीगढ़ गए थे, वहाँ पर सीए का जो एंटी सीए का, वो तो हमारे वजूद की बात थी ना, तो उसी बात जो है बाद में आपको जो तो मथुरा जेल जो है तो भेज दिया, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मेरी स्पीच देश तोड़ने वाली नहीं देश जोड़ने वाली थी। आपने वहाँ क्या कहा था क्या वहाँ पर? मैंने यही कहा था कि अपने 10 दोस्तों को अपने घर बुलाओ और अपने साथ सेवई खिलाओ, खाना खिलाओ, बताओ कि हम जो है चार शादी नहीं करते, हम जो है सिर्फ पंचर नहीं बनाते, साइकिल जो है टीवी फ्रिज रिपेयर नहीं करते, हम जो है सिर्फ जो है मतलब हम कोई पाकिस्तान का फेवर नहीं करते, हम जिहादी नहीं हैं, हम भी डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, हम भी साफ तरीके से रहते हैं, ये हमने बताने की कोशिश की थी। हमने ये कहा था लोगों को बताओ कि ट्रिपल तलाक या हलाला ये हमारे मुद्दे नहीं है, हमारे मुद्दे वही रोटी कपड़ा मकान और हेल्थ एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट है, हमें भी पढ़ना है, हमें भी नौकरी चाहिए। ये कहने के बावजूद भी आपको जो है जिससे स्नैप किया गया, नेल किया गया, तो क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो यही कहा कि जिनकी शिक्षा, जिनको भाई बचपन से ही पढ़ाया गया हो अली बजरंग बली, शमशान कब्रिस्तान, अब्बा जान, तो उनको क्या समझ में आएगा ये बातें। तो ये अब जो है यूपी में जो जिस तरह की सूरत हाल डेवलप हो रही है, और आप जो कह रहे हैं कि भाई आपका जो इशू आया वो उभर कर आया, उसके नतीजे में आपने एक बात ये कही कि 68 बच्चों का उस वक्त जो तो मौत हो गई ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से, अलावा अजी आप ये भी कह रहे हैं कि 18 लोग भी मारे गए, तो ये इशू जो है तो दब के रह गया, तो इसको किस तरह से, ये बहुत बड़ा एक ह्यूमन ट्रेजिडी थी ये, तो इसको जो है ये दब कर रह गया आपके मामले की वजह से, इस पर क्या कहेंगे? अप्रैल मई में लाखों लोग मर गए पूरे इंडिया में, राज्यसभा में सरकार ने कहा है कोई मौत ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई है, दब गया। होम मिनिस्टर का लड़का गाड़ी चढ़ा देता है, वीडियो पूरी दुनिया ने देखा, दब गया। हाथरस में एक लड़की का गैंगरेप होता है, उसको रात में जला दिया जाए, दब गया। अच्छा, जो आपका इलाका है वहाँ पर जापानी बुखार का साइकिल बार बार चलता है, और उस वक्त के जरा हालात बताइए, क्या वजह है कि वहाँ पे ये होता है, और उस वक्त जो हलाकतें हुई अस्पताल में बच्चों की और बालकों की, उसके बारे में जरा आप थोड़ी सी। सेवन पीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्यूट इनकेफ्लाइटिस सिंड्रोम विच इज़ अ अम्ब्रेला डिजीज, पावर्टी, पॉपुलेशन, पुअर सैनिटेशन, पुअर पर्सनल हाइजीन एंड पुअर न्यूट्रिशन, दैट इज माल न्यूट्रिशन, पुअर वैक्सीनेशन ड्राइव एंड द डिफिकल्ट एसेस टू ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर। तो जहाँ गरीबी है, जहाँ जो है वैक्सीनेशन नहीं हुआ, वरना आप सोचिए जैपनी इंकेफ्लाइटिस जो है वो मच्छर के द्वारा काटने से होता है, और जापानी बुखार जो है सिर्फ गरीबों को होता है, तो मच्छर कैसे जानता है कि ये गरीब का बच्चा है कि अमीर का बच्चा है? सारे बच्चे इंकेफ्लाइटिस के ज़्यादातर गरीब के बच्चे होते हैं, तो ये वजह ये है, क्योंकि मुझे लगता है कि वैक्सीन उन तक वहाँ नहीं पहुँच पाती है। 4 साल का जो सफर है आप उसको किस तरह से समाप्त करेंगे, जो सूरत हाल है आप किस तरीके से? देखिए, मैंने कहा ना कि मैं योगी जी ने इन 5 साल में 500 दिन जेल में रखा और मुझे हर तरीके से तोड़ने की कोशिश की, पूरी फैमिली को परेशान किया, मेरे भाई को तो गोली वहाँ मारी गई थी जहाँ पे चीफ मिनिस्टर साहब खुद मौजूद थे 500 मीटर की दूरी पे। सबसे ज़्यादा जो दुख होता है कि जब मैं पढ़ता था तो मुझसे कहते थे कि जब आप बड़े बाप बनोगे तब जान पाओगे माइलस्टोन क्या होता है, आपका बच्चा कब पहली बार चलता है, कब दौड़ता है, कब बोलता है, कब सीढ़ियाँ चढ़ता है। और दोनों ही बार, जब मेरी 11 महीने की बच्ची थी तब 9 महीने के लिए जेल भेज दिया गया, जब मेरा 8 महीने का लड़का था तब मैंने जेल गया। दोनों ही बच्चे मुझे पहचानते नहीं है अपने बाप को, ये सबसे बड़ा दुख है। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल ये है कि ये जो आप टर्मिनेट कर दिया गया, तो क्या आपका हौसला पस्त हो गया, हिम्मत पस्त हो गई है? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया दिल्ली में मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ और आप कह रहे हैं हौसला पस्त हो गया है। कहते हैं ना कि डरना आता नहीं हमें चाहे जितना भी जला लो, हर बार एक नई ताकत से उठेंगे चाहे जितना भी झुका लो। तो
आप फिर सियासत में क्यों नहीं दाखिल होना चाहते हैं, जिस तरह से आपके बारे में? मैं डॉक्टर हूँ, मुझे लगता है कि मेरी जगह यही है। और आपको बता दूं कि हम लोगों ने इन 3 साल में 250 के करीब कायम किए हैं और 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को इलाज फ्री में इलाज किया है, अपने पैसे से नहीं, लोगों ने ही मदद की है। हमने डॉक्टर्स ऑन रोड तब स्टार्ट किया था 14 अप्रैल 2021 में, जब कोई भी जो है बाहर नहीं निकलता था। तो जो मेरा पेशा है वो मैं कर रहा हूँ, मुझे उसमें खुशी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया सालार न्यूज़ से बात करने के लिए डॉक्टर कफील साहब। ये थे डॉक्टर कफील जो अपनी विवाद हमारे सारे इनको और नाज़रीन को बता रहे थे। मैं अब्दुल बारी मसूद, कैमरामैन ज़ीशान राही के साथ सालार न्यूज़ के।